हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो थोड़ी सी बातें ऐप को लेकर कर लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंफ्यूजन हैं बच्चों को, जो मैं दूर कर दूं। पहला है कि सर, ऐप में हमको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो देखो, मैं बता दूं आपको, लेक्चर और नोट्स ये तो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ऐप पे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन है, वन मार्क्स क्वेश्चन कैसे होंगे, टू मार्क्स क्वेश्चन कैसे आएंगे, थ्री मार्क्स कैसे आएंगे, फाइव मार्क्स कैसे आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जल्दी मिलेंगे सारी चीजें। देन एमसीक्यू प्रैक्टिस की, जो एग्जाम में प्रैक्टिस है। एक होता है कि आप यूट्यूब पे ऐसे मान लो कर दिया सामने कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, उसमें मजा नहीं है बेटा। ऐप में जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप खुद सोच करके उसका आंसर क्लिक करेंगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ये जो है तीन पार्ट एमसीक्यू वाला, खास करके ये जो पार्ट है, इसमें आपकी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी रहेगा सब कुछ। यानी कि समझ रहे हैं आप, दोनों चीजें कंबाइंड रहेंगी इसके अंदर। आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, ठीक है, वन मार्क्स क्वेश्चन भी आए थे, जो कि 20 नंबर का पार्ट है अब तुम्हारे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम का। तो ये दोनों चीजें रहेंगी। जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैंने पहले ही कहा था अगस्त में, अभी थोड़ा सा काम है, ठीक है ना। तो जल्द ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और रूटीन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी क्या हो रहा है। ये जल्दी आप लोगों के बैच बना दिए जाएंगे और आपके लिए लाइव डाउट क्लासेस और रूटीन टेस्ट वगैरह जो सारी चीजें हैं ये आपको अवेलेबल स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब चीजें जो हैं ये तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कुछ, और कुछ जल्दी उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ऐप में। अब दूसरा कंफ्यूजन है, सर ये 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। तो मैं बच्चों से कह रहा हूं, बच्चों ये पूरे साल के लिए है। किसके लिए है? पूरे साल के लिए, या फिर यूं कह लें हर एक बच्चा अलग अलग स्टेट में है, कुछ बच्चों के पेपर आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें अभी आपको एक डेट लिख के आ रही होगी, ये कोर्स इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, जो जिस स्टेट के हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज कर लिया जाएगा। जिनके पेपर लेट होंगे उनके लिए वो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी जाएगी, यानी कि कोर्स उस डेट पे एंड ना होकर के उनका जब फाइनल पेपर होगा उसके बाद ही हुआ, उस महीने के एंड में जाकर के ये जो ऐप का जो कोर्स आप परचेस करेंगे वो एंड होगा। बात समझ में आ गई? कोर्स जिन लोगों को लगता है कि सर 1100 अमाउंट बड़ा है, तो उनको दो इंस्टॉलमेंट में कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं, ठीक है। 550 रुपए दो इंस्टॉलमेंट में, तीन तीन महीने में आपको करने हैं। एक इंस्टॉलमेंट आप आज करते हैं तो आज से तीन महीने बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा, ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस लेक्चर के नोट्स भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कोई डाउट है मेरे ख्याल से अगर, तो डायरेक्ट कॉल करें मेरे को, बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं जो भी क्वेरी होगी आपकी दूर कर दूंगा। फिलहाल ये सारी क्वेरीज जो मैं अभी तक देख रहा था आ रही थी, तो उनको लेकर के मेरे को यहां पर ये लेक्चर में ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 इसका हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। बच्चों को अभी थोड़ा सा कम्युनिटी फार्मेसी को लेकर के डाउट है। जिन बच्चों को कम्युनिटी फार्मेसी लगती है कि कुछ अलग ही चीज होती है, ठीक है, वो सारे डाउट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि कम्युनिटी फार्मेसी, कुछ बच्चों को डाउट किया कि कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल स्टोर नहीं होता है, ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी एक्चुअली बच्चों क्या है, मैं बता दूं कि जो एक बड़ी फार्मेसी होती है, ठीक है ना, यानी कि अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर इस कम्युनिटी फार्मेसी वाले इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर अगर आप 10 देखेंगे, कौन सा चैप्टर नंबर 10, उसकी जरा टॉपिक देखिएगा, वहां से आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि क्या कम्युनिटी फार्मेसी वाकई मेडिकल स्टोर है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस? ऑब्वियस ही बात है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब हमको हर एक काम पेशेंट के हित में करने हैं, पेशेंट के फायदे के लिए करने हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि पेशेंट का फायदा ना हो या पेशेंट को कोई दिक्कत हो फार्मेसी आते वक्त। तो वही सारी बातें यहां पे होने वाली हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको, बहुत टफ चीज नहीं है। इन 1992 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसी सर्विसेज अंडर द हेडिंग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए कि फार्मेसी सर्विस जब दोगे आप, ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है।
इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग, जब कम्युनिटी में कोई आपने फार्मेसी खोल रखी है, फार्मेसी मतलब क्या, मेडिकल स्टोर, या आपने कोई हॉस्पिटल में अपनी फार्मेसी खोली हुई है, ठीक है, तो ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। क्या फिलॉसफी है, ऐसा क्यों कहा गया? द मिशन ऑफ द फार्मेसी प्रैक्टिस इज टू कंट्रीब्यूट टू हेल्थ इंप्रूवमेंट, ठीक है, एंड टू हेल्प पेशेंट विद हेल्थ प्रॉब्लम टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर मेडिसिन, ताकि पेशेंट्स की जो हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सके और पेशेंट को हेल्प कर सके, है ना, हेल्प पेशेंट विद हेल्थ प्रॉब्लम, जिन पेशेंट्स को हेल्थ की प्रॉब्लम है, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर मेडिसिन, जिससे कि जो मेडिसिन अवेलेबल है उनमें से सबसे बेस्ट मेडिसिन पेशेंट के पास पहुंचे और वो ठीक हो। देयर आर 6 कंपोनेंट टू दिस मिशन, इस मिशन के 6 कंपोनेंट है, क्या क्या है, बींग रेडिली अवेलेबल टू पेशेंट विद और विदाउट एन अपॉइंटमेंट, जिससे कि क्या हो, जो फार्मेसी है अपॉइंटमेंट हो चाहे ना हो, पेशेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, किसी भी टाइम पेशेंट जाए और वहां पे अपना बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की तरह अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग और ट्राइजिंग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, वहां पे जाकर वो अपनी आइडेंटिफाई कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको समझा सके, समझ सके और उस वहां से कुछ अपना हेल्थ को लेकर के बेनिफिट, मतलब बेनिफिट इन द सेंस कुछ अच्छी सलाह लेके आए, कुछ सही से मेडिसिन लेके आए। हेल्थ प्रमोशन, उनकी हेल्थ प्रमोट हो सके, ऑब्वियसली बात है, प्रमोशन का मतलब क्या रहेगा कि जब उसको सही नसीहत मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो हेल्थ प्रमोट होगी। एश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन, एश्योर वो तसल्ली रहे, उसको तसल्ली मिलनी चाहिए कि हाँ मेडिसिन जो ले रहा हूँ वो सही है और सही टाइम से मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। प्रिवेंटिंग हार्म फ्रॉम मेडिसिन, मेडिसिन के हार्म्स, है ना, कई बार कोई गलत मेडिसिन ना खा लूँ, खुद से ले रहे हैं तो गलत हो सकती है, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए पेशेंट को। मेकिंग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हमारे पास जो सुविधाएं मान लो कि मेडिसिन से बहुत कम आती हैं, बनती हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर पकड़ा दो, जो खास पेशेंट को जिनको जरूरत है केवल उनको उनको दी जाए, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास अगर कम है तो नीडी पेशेंट को पहले मिले, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग जस्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मिशन था, एक तरह से कह लो एक फिलॉसफी थी कि ये सब चीज़ें पेशेंट को साथ होनी चाहिए जब एक पेशेंट फार्मेसी में जाता है। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस डिफाइन करता है फार्मासिस्ट प्रोवाइड, कि फार्मासिस्ट प्रोवाइड करे क्वालिटी फार्मेसी, एक क्वालिटी वाली फार्मेसी प्रोवाइड करे सर्विस टू एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट को। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी डैट, ये फार्मेसी की प्रैक्टिस है डैट जो कि रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, पीपल की नीड को रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि अपने आप से चल रहा है, पीपल को क्या चाहिए हम वो देंगे उसको। हु यूज द फार्मेसी सर्विस, जो फार्मेसी की सर्विस का यूज करते हैं, टू प्रोवाइड ऑप्टिमल एविडेंस बेस्ड केयर, जो फार्मेसिस्ट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब सबसे अच्छी एविडेंस बेस्ड केयर, एविडेंस मतलब होता है जो तजुर्बे के हिसाब से, है ना, जो केयर किया जाता है। तजुर्बा मतलब क्या है, डॉक्टर्स लोग जो बनते हैं या हम लोग जो फार्मेसिस्ट बनते हैं, हम लोग क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो केयर होती है वो सबसे बेस्ट केयर होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है, एक तरह से कुछ नहीं है यहाँ पर, एक छोटे बड़े में कहा जाए तो एक पेशेंट को बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें चीज़ें प्रोवाइड करानी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट हमको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके लिए नसीहत हो सकती है, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट उनको देनी है। आगे क्या कह रहा है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेस फॉलोइंग मेजर रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है ना, ये रोल्स प्ले किए जाते हैं फार्मासिस्ट के द्वारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में। प्रिपेयर, ऑप्टेन, स्टोर, सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूट, एडमिनिस्टर, डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो फार्मासिस्ट होगा वो प्रिपेयर करेगा, ऑप्टेन करेगा, कहीं ना कहीं से लेके आएगा, स्टोर करेगा, सिक्योर करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, एडमिनिस्टर करेगा, देगा, डिस्पेंस करेगा, देगा एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, और अगर कोई मेडिकल प्रोडक्ट हमारा कैसा हो गया, एक्सपायर वगैरह हो गया, तो उसको डिस्पोज करेगा। प्रोवाइड इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जो सबसे अच्छी इफेक्टिव थेरेपी मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगा। मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, जो प्रोफेशनल है वैसा रहेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या हो, अपना इम्प्रूव हो, ठीक है, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम जो पूरा सिस्टम बना हुआ है पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसमें मेन रोल किसका, डॉक्टर ने तो हो गया सारा काम, फिर बाद में काम किसका रहता है, फार्मासिस्ट का आ जाता है। तो कंट्रीब्यूट करेगा इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक की हेल्थ को इफेक्टिव रखने में मदद करेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं घूम फिर के वही सारी बातें हैं ओवरऑल
पेशेंट के लिए बेस्ट होना चाहिए। अब उसमें अलग अलग तरीके से कैसे कैसे, मेडिकेशन का रोल में अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर के रूप में अच्छा होना चाहिए, दवाइयों को ऑब्टेन करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पेशेंट से, अगर दिमाग में थोड़ा सेट कर लोगे, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी फार्मेसी वाला सब्जेक्ट है बहुत आसान है, ठीक है। मैं तुम लोगों से एक बात बोलूंगा, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कम्युनिटी फार्मेसी को लेकर के, तो कम्युनिटी फार्मेसी को एक छोटा मेडिकल स्टोर मत समझो। अगर आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में एक बड़ा मेडिकल स्टोर देखा हो, बड़ा है ना, जैसे हॉस्पिटल में तो देखते ही हो, काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ पेशेंट के बैठने की जगह भी होती है, ठीक है ना, एक काउंटर पे जो होता है इंसान बिल काट रहा होता है, एक दवाइयाँ निकाल रहा होता है, ठीक है ना, एक किनारे पे समझा रहा होता है कि ये दवाइयाँ ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, कोई दिक्कत कुछ हो तो बताना। तो ये सारी चीज़ देख रहे हो, ये है कम्युनिटी फार्मेसी जो बड़े लेवल की हो रही है। यहाँ पर एक तरह से कहीं ना कहीं उसकी बातें चल रही है। जब छोटा मेडिकल स्टोर है या छोटी कम्युनिटी फार्मेसी है, सिंगल आदमी सारे काम कर रहा है, तो आपको वहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो प्रीमाइसिस पब्लिक लेआउट, प्रीमाइसिस मतलब जगह और उसमें जो चीज़ें सेट की जाती हैं, फर्नीचर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मैन पावर लोग चाहिए, ऑब्वियस बात है ना, कोई दवाई निकाल रहा है, कोई बिल काट रहा है, मटेरियल चाहिए, ठीक है, सारी बातें करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टोरेज होना चाहिए और सर्विस जो अपनी बेस्ट दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में रिक्वायर होती है। आओ इनको बारी बारी से हम लोग क्या करें, डिस्कस करते हैं। तो फटाफट देखते हैं इसको, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसिस लेआउट। तो कह रहा है प्रीमाइसिस मतलब जगह, द लोकेशन ऑफ फार्मेसी शुड बी सच दैट इट इज इजीली आइडेंटिफाइड बाय द पब्लिक। ऐसा ना हो कि इसकी गली खोपचे में हो, एकदम प्रॉपर सामने होना चाहिए, होर्डिंग वगैरह लगी होनी चाहिए कि हाँ अगर पब्लिक वहां से गुजर रही है तो तुरंत दिख जाए कि ये रही हमारी फार्मेसी। द एनवायरमेंट इन द फार्मेसी शुड बी नीट एंड क्लीन। फार्मेसी के अंदर जब आप जाओ, ठीक है ना, तो वहां पे सारा कुछ एनवायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। इट शुड हैव क्लियरली मार्क्ड वर्ड फार्मेसी रिटन इन इंग्लिश एज वेल एज लोकल लैंग्वेज। वहां पे क्लियर कट वर्ड लिखा होना चाहिए बाहर की ये फार्मेसी है, ठीक है, इंग्लिश में लिखो और साथ में जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोग वहां पे ज्यादा समझते हैं ना, हर स्टेट की कंट्री की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है जो लोग ज्यादातर समझ लेते हैं इजिली, तो उसमें लिखा होना चाहिए। द फार्मेसी शुड ऑल्सो बी एसेसिबल टू डिसेबल्ड पीपल। अब मान लो कोई डिसेबल पीपल है, कोई लंगड़ा है इंसान है ना, जैसे मैंने तुमसे बताया था छोटी मेडिकल स्टोर होती है उसमें बेचारा बंदा खड़ा ही हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की, तो वो इजिली उसको एसेस कर सके, जा सके। और पीपल यूजिंग व्हील चेयर, जो बंदा व्हील चेयर पर है वो कैसे जाए फार्मेसी में, कैसे जाके वहाँ पे अपनी दवाइयाँ वगैरह ले और अपनी बात करे। इट शुड हैव डिस्प्ले काउंटर शेल्फ फॉर मेडिसिन स्टोरेज काउंसलिंग एरिया। यहाँ पर होना चाहिए डिस्प्ले काउंटर, दवाइयाँ जो लगी होती हैं, शेल्फ फॉर मेडिसिन दवाएं रखने के लिए जो शेल्फ्स होती हैं, अलमीरा वगैरह होती हैं, काउंसलिंग एरिया, एक काउंसलिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, कि कोई पेशेंट आगे कुछ बात करना चाहता है कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो वो एक छोटा सा होना चाहिए, यानी कि उसको खड़ा कर रखा है तुम बैठ के बात कर रहे हो, उसको प्रॉपर बैठा करके आप बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, फार्मासिस्ट हो आप, ठीक है ना। वेटिंग एरिया, अगर मान लो भीड़ लगी हुई है, ठीक है, लाइन लगी हुई है, तो वेट करने के लिए एरिया होना चाहिए। देखा मैंने क्या कहा, अगर आप बड़ा सोचेंगे, बड़ी फार्मेसी सोचेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, छोटी फार्मेसी सोचेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब छोटा है तो वहाँ भीड़ भी नहीं होने वाली, जाहिर सी बात है। बिलिंग एरिया, बिल कटता है लगातार, एडिक्वेट स्पेस फॉर मूवमेंट एंड वेस्ट कलेक्शन बॉक्सेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे वेस्ट है ना, डब्बे में फटे जो खराब हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, डब्बे कूड़ा करके इकट्ठा हो जा रहे हैं, उनका कलेक्शन के लिए एक अलग से स्पेस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। काउंसलिंग एरिया शुड हैव फर्नीचर, जहाँ काउंसलिंग एरिया फर्नीचर वगैरह होना चाहिए, टेबल एंड चेयर फॉर कंफर्टेबल कन्वर्सेशन, ताकि आराम से कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो सके और कम्युनिकेशन हो सके, एंड कैबिनेट फॉर कीपिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, और एक कैबिनेट होनी चाहिए वहाँ पे पेशेंट का पूरा मेडिकेशन रिकॉर्ड रखा जा सके, ये सारे काम फार्मासिस्ट के होते हैं, ठीक है। इट शुड हैव टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, रेफ्रिजरेटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए वहाँ पर, ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंडिंग फार्मेसी फॉर एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन शुड हैव एडिशनल स्पेस एंड नेसेसरी इक्विपमेंट। एक्सटेम्पोरेनियस, ये शायद वर्ड पिछली बार भी आया था, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, शायद मिस हो गया मेरे ख्याल से, मैंने देखा था इसको। एक्सटेम्पोरेनियस क्या होता है, मान लो कोई मेडिसिन आ रही है, ठीक है ना, एक मेडिसिन आ रही है 200 mg या 400 mg या 600 mg या 1000 mg, लेकिन डॉक्टर लिखना चाहता है उसको 300 mg बीच की, है ना, तो तुमने देखा होगा अब ऐसे केस में क्या करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्सटेम्पोरेनियस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेडीमेड नहीं आ रही हैं, तो वहां पे फार्मासिस्ट क्या करेगा, उस चीज को उस कंडीशन नीड के हिसाब से प्रिपेयर करेगा, बनाएगा उसको, और उसको पुड़ियों में, जैसे ना पुड़िया बनती है, जैसे देखा होगा डॉक्टर लोग पुड़िया बांध देते हैं, ठीक है, इस टाइप से, या जो उनके अपने तरीके हैं, तो वो
पेशेंट के नीड के हिसाब से प्रिपरेशन करेगा और पेशेंट को देगा कि ये सुबह दोपहर शाम खानी है, तो पेशेंट की दिक्कत खत्म। समझ रहे हो बात को? अब मान लो 200 300 mg खाना था, अब पेशेंट क्या करेगा, 200 mg की टेबलेट एक लेगा, एक 200 mg टेबलेट को तोड़ेगा, फिर जाकर 300 mg होगी। तो ये पेशेंट के लिए दिक्कत वाली बातें हो सकती हैं। अगर उसको ये 300 mg रेडीमेड मिल जाए तो उसके लिए आसान हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, जो फार्मासिस्ट खुद तैयार करके उसको देगा, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है या उतना डोज अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? और नेसेसरी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में क्या क्या हो सकता है बताइए, एक नॉर्मल सा क्या क्या होता है, बीपीपी नापने का होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए। एंड एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन या कंपाउंड इज ए ड्रग। अब देखो एक्सटेम्पोरेनियस को यहां पर ना मैंने वो कर दिया है, जिन लोगों को दिक्कत होगी कि है क्या, इज ए ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड और कंपाउंडेड इन अ फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रिस्क्राइबर। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से वो बनाए। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग इज नेसेसरी टू ट्रीट पेशेंट्स हुज नीड्स कांट बी फुलफिल्ड बाय कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड मेडिकेशन। कॉमर्शियली जो मेडिसिन आ रही है वो है ही नहीं उस हिसाब से, मैंने कहा ना कम ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से पेशेंट को मिलेगी नहीं वो दवाई। तो फार्मासिस्ट इसके हिसाब से जो प्रिस्क्राइब हुआ है उसके हिसाब से तैयार करके उसको देता है, तो उसके लिए अलग से एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो उसको तैयार करेगा। आगे आते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, जरूरी चीजें। द फार्मासिस्ट शुड बी इक्विप्ड विद रेफ्रिजरेटर होना चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन इन कोल्ड टेम्परेचर। बहुत सी मेडिसिन होती है जैसे टिटनेस का इंजेक्शन है जिसको ठंडे में रखना होता है, एंड वैलिडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसको उस टाइम टू टाइम वैलिडेट चेक करते रहना है कि ये इक्विपमेंट सही है या नहीं है। प्रॉपर टेम्परेचर 8 कर तो दिया फ्रिज का, पता चला टेम्परेचर जा रहा है 15-20, हो ही नहीं रहा ठंडा। काउंसलिंग एरिया शुड बी इक्विप्ड विद डिमॉन्स्ट्रेशन चार्ट। जो काउंसलिंग एरिया होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन चार्ट देखे होंगे कि आपको ये करना है, ऐसे ऐसे रहना है, चल के ऐसे स्टेट बैठना है ना, चार्ट लगे होते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, झुक के नहीं बैठना है, देखे होंगे आप लोगों ने ऐसा, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन चार्ट होने चाहिए। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, एक छोटे से ना पंपलेट से रहते हैं, रखे रहते हैं वहाँ पे जहाँ पेशेंट बैठेगा, अच्छा देखता रहता है, अच्छा ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, इस एज पे ये करना चाहिए, अगर आपको ये दिक्कत है तो ये ना करें, एक छोटे पंपलेट रखे रहते हैं, ये रहने चाहिए। रेफरेंस मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल, है ना, इसके अलावा कुछ और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। इट शुड कंटेन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, यानी कि बीपी चेक करने वाला, ग्लूकोमीटर ग्लूकोज चेक करने के लिए, थर्मामीटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, वेट एंड हाइट स्केल होना चाहिए, वेट नापने के लिए और हाइट नापने के लिए, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको वहां पर होना चाहिए, है ना। तो आगे आते हैं, द फार्मासिस्ट शुड बी प्रिफरेबली इक्विप्ड विद कंप्यूटर एंड एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। अच्छा, पहले तो ऐसा नहीं था, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो कह रहा है कंप्यूटर होना चाहिए और सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, है ना, उसके अंदर सारा कुछ रहता है, अच्छा ये मेडिसिन आई, ये मेडिसिन गई, ये स्टॉक खत्म हो गया, सब पता चल जाता है उससे, यही जो स्टॉक कौन सा आया, कौन सी मेडिसिन खत्म होगी, कौन सी बची है, यही सब इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है, ठीक है, दैट कैन मैनेज इन्वेंट्री, है ना, इन्वेंट्री वर्ड आ गया। मैनेजिंग इनवॉइसिंग, जनरेट टाइमली वार्निंग फॉर एक्सपायरिंग मेडिसिन। अब क्या है, इनवॉइस जो हम लोग बिल काट रहे हैं, जनरेट टाइमली वार्निंग फॉर एक्सपायरी मेडिसिन, कंप्यूटर पे क्लिक करोगे कौन कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली, तुरंत दिखा देगा सॉफ्टवेयर, ये सब मेडिसिन अगले 2 महीने में एक्सपायर होने वाली या 1 महीने में एक्सपायर होने वाली या ये मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, तो आप वहां से उसको हटा सकते हो, ठीक है। एंड आर्चिव पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है ना, और आर्चिव कर सकता है मतलब रख सकता है पेशेंट के मेडिकेशन रिकॉर्ड को, कंप्यूटर में रखना काफी आसान होता है बजाय फाइल में ढेर लग जाता है। क्लियर है बातें। कंपाउंडिंग फार्मेसी शुड बी इक्विप्ड विद एप्रोप्रिएट एपरेटस। कंपाउंडिंग यहां पे आपको कंपाउंड करना है ना, दवाइयों को बनाना है, शुड बी इक्विप्ड विद एप्रोप्रिएट एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, है ना, वहां पे प्रॉपर एपरेटस होना चाहिए जो बनाने के लिए हमें चाहिए। आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि ये कंपाउंडिंग के सर आजकल कहां बनती है दवाइयां, तो आप अगर चले जाओगे, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में जाओ आप, तो एक ट्रे जैसी रहती है, इसके अंदर जो पेशेंट से रिलेटेड सारी क्या रहती है, दवाइयां रहेंगी, इंजेक्शन रहेगी, मेडिसिन रहती है, जो भी चीजें हैं, फिर क्या करेगा डॉक्टर, बोलेगा ये मिला करके लगा दो, ठीक है ना। तो यहां से आपको उदाहरण समझने में आसानी हो जाएगी। तो क्या ऐसा होता है, ठीक है, तो यस ऐसा हर एक मेडिकल स्टोर पर ऐसा नहीं मिलेगा, तो कुछ बड़े हैं जहाँ पर, जैसे कि हम चले जाएं, अगर जो हमने बताया जो अपने सरकारी वाले रहते हैं वहाँ पे भी फार्मेसी होती हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं हमको, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज़ है तो उसको ये होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये हर फार्मेसी में अवेलेबल हो। अगर कोई फार्मेसी छोटी है वहाँ पर ये काम होता ही नहीं है, वो बनाता ही नहीं, कंपाउंडिंग करता ही नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। बात समझ रहे हो? आगे आते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। इंसान मतलब भाई फार्मासिस्ट के अलावा जो मेन है
या हो सकता है एक और फार्मेसी की जरूरत पड़े, बड़ी फार्मेसी है, एक अकाउंटेंट चाहिए जो बिल काटता रहेगा, है ना, एक दवाई निकालने वाला इंसान चाहिए, तो मैन पावर तो चाहिए चाहिए। द फार्मेसी शुड बी मैनेज अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसी मैनेज होनी चाहिए किसके कंट्रोल में, फार्मासिस्ट के कंट्रोल में। एंड अदर पर्सनल वर्किंग इन द फार्मेसी शुड बी वेल ट्रेन्ड। और जो दूसरे पर्सन काम कर रहे हैं वो भी वेल ट्रेन्ड होने चाहिए, ठीक है। द फार्मेसी शुड हैव वेल डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइंस। उसके अंदर सारी गाइडलाइंस एक डॉक्यूमेंट के रूप में होनी चाहिए कि ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। एंड प्रोसीजर्स कौन कैसे करेगा फॉर पर्सन, हर एक पर्सन के लिए, सेट बाय मैनेजमेंट एंड विद फार्मासिस्ट कंसल्टेशन, जो मैनेजमेंट और फार्मासिस्ट की कंसल्टेशन के हिसाब से बनाई जाती हैं। द पर्सनल इन द फार्मेसी शुड वियर नीट एप्रन। जो फार्मासिस्ट होगा उसे एक एप्रन पहनना है सफेद कलर का या कोट, एंड वियर अ बैज डिस्प्लेइंग नेम एंड डिजिग्नेशन। एक बैज रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका क्या काम है, आपकी क्या पोस्ट है। All pharmacy personnel should be medically examined and adequately immunized periodically and their health data should be archived. All pharmacy personnel, obviously बात है, pharmacy में है तो तरह तरह की चीजें आती रहती हैं, तरह तरह के patient आते रहते हैं, तो आपको time to time पर्याप्त मात्रा में अगर कोई immunization होने की जरूरत है, कोई टीका लगने की जरूरत है, तो वो आपको लगना चाहिए, ठीक है। और आपके पूरा हेल्थ केयर डाटा उस फार्मेसी के मैनेजमेंट के पास रिकॉर्ड में रहेगा, ठीक है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द फार्मेसी शुड होल्ड एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो फार्मासिस्ट है उसके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीफा होनी चाहिए, एंड रजिस्टर्ड है फार्मासिस्ट, ये यहां से हटा देंगे, इन फार्मेसी काउंसिल। जो भी फार्मेसी काउंसिल जैसे अपनी इंडिया की है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वहां पर उसको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड ऑल्सो हैव डन एडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके पास पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए इन कम्युनिटी फार्मेसी की, कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे काम करना है। एंड हैव एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल फॉर पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्किल्स, यानी कि उसको होना चाहिए, नहीं कि गए और कर दिया अपना। स्किल्स अगर समझते हो ना, आपको बकायदा ट्रेनिंग दिया जाती है कि पेशेंट आएगा तो उसको कैसे डील करना है। भाई पेशेंट कई तरीके से होते, बेचारे बीमार होते हैं, कई बार कुछ पेशेंट इरिटेट भी कर जाते हैं, लेकिन आप फार्मासिस्ट हो तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये पेशेंट है, मुझे इसकी बातों से चिढ़ना नहीं है। कुछ पेशेंटों के बार बार अपनी बातों को दोहराते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग स्किल्स होते हैं ये सारे, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम एक बच्चे को, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए खास टीचर्स होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बच्चा जिद्दी होता है, आपको जिद नहीं करनी है। फार्मेसी असिस्टेंट वर्किंग इन द फार्मेसी शुड होल्ड एटलीस्ट अ डिप्लोमा फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड एज फार्मेसी असिस्टेंट इन फार्मेसी काउंसिल, ठीक है ना। यहाँ पर उसका वर्ड आ गया, चलो। फार्मेसी असिस्टेंट वर्किंग इन द फार्मेसी, जो फार्मेसी कर रहा है, शुड होल्ड एटलीस्ट, कम से कम डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, एंड रजिस्टर्ड एज फार्मेसी असिस्टेंट इन फार्मेसी काउंसिल। फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। फार्मेसी असिस्टेंट शुड हैव डन एडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसने पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखी हो इन कम्युनिटी फार्मेसी में, एंड हैव एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल, है ना। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, तो वो इसी पर्पज से होती है कि अगर आप कहीं पर जाएंगे या मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोफेशनिस्ट वर्किंग इन द फार्मेसी शुड होल्ड द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय ड्रग एडवाइजरी कमेटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमेटी। तो कह रहा है जो प्रोफेशनिस्ट होते हैं, मतलब कि जो प्रोफेशन में माहिर है अपने, वर्किंग इन द फार्मेसी शुड होल्ड द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय ड्रग एडवाइजरी कमेटी। जो ड्रग एडवाइजरी कमेटी ने क्वालिफिकेशन बता रखी है प्रोफेशनल के पास, वो होनी चाहिए, एंड रिकॉग्नाइज बाय द कमेटी, और कमेटी को उसको जांचना है, देखना कि क्या उसके पास है या नहीं है, ठीक है ना, फर्जी तो नहीं है। आगे आते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज। ऑल मेडिसिन कमिंग इन टू फार्मेसी शुड इनिशियली बी क्वारंटाइंड एंड देन चेक्ड फॉर क्वांटिटी। जितनी मेडिसिन आ रही है ना, आती है आपका सप्लाई होके आई, तो आप खोलेंगे उसको, सबसे पहले क्या करोगे, उसे सबको अलग अलग करोगे, क्वारंटाइन कर दोगे, एंड देन चेक फॉर क्वांटिटी, कितनी आई है, बैच नंबर मिलाओगे, एक्सपायरी चेक करोगे, इंटीग्रिटी ठीक है या नहीं है, कोई खराब है, टूट फूट तो नहीं होगी, एटसेट्रा। आफ्टर चेकिंग दे शुड बी ट्रांसफर टू देयर रेस्पेक्टिव स्टोरेज लोकेशन। जो मेडिसिन जहां पे स्टोर की जाती है फिर उनको वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। ऑल मेडिसिन शुड बी स्टोर्ड एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव लाइट डस्ट एंड ह्यूमिडिटी। हर किसी मेडिसिन को स्टोर किया जाएगा एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर डिसाइड है उसके हिसाब से उसको स्टोर किया जाएगा, है ना। उसको लाइट से बचाया जाएगा, डस्ट से बचाया जाएगा, और ह्यूमिडिटी नमी से बचाया जाएगा। कुछ मेडिसिन नमी वगैरह से खराब हो जाती है, लाइट से खराब हो जाती है। रिकॉर्ड ऑफ डेली टेम्परेचर शुड बी कैप्ट ऑन रिकॉर्ड शीट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। उस फार्मेसी का पर डे का टेम्परेचर कितना रहा है वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। द मेडिसिन एंड शेल्फ, शेल्फ मतलब जो अलमारी वगैरह होते हैं जिनमें दवाइयां रखी जाती हैं, शुड बी क्लीन एंड डस्ट फ्री। उसको क्लीन होना है, डस्ट फ्री होना चाहिए।
फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी, इसकी बात होगी अभी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कुछ खास नहीं, बस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ये होता है कि किसको क्या करना है और कब करना है। डिटेलिंग लेंगे इसकी भी हम लोग, अभी बात समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो जैसा एसओपी में लिखा है ठीक वैसे ही मेडिसिन को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ऑल मेडिसिन डेट आर टू बी स्टोर्ड इन कोल्ड टेम्परेचर शुड बी कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जितनी मेडिसिन को कोल्ड टेम्परेचर में रखना जाना चाहिए उनको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नारकोटिक जो नशीली दवाइयाँ होती हैं एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है ना, जो हमारे माइंड से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, डेट फॉल इन द ग्रुप ठीक है, शुड बी कैप्ट इन अ सेपरेट सेफ विद लॉक एंड हैंडल्ड ओनली। इसका ग्रुप जो हमने बताया था कौन सा था, H1 वाला कौन सा था, वो यहाँ मेंशन कर दूंगा, अभी दिमाग में नहीं मेरे पास, ठीक है ना, जिसको स्पेशली हम लोग डील करते हैं। शुड बी कैप्ट, इसको भी हटा दो यहाँ पर, ठीक है, नोट से मेंशन कर दूंगा मैं, इट शुड बी कैप्ट इन अ सेपरेट सेफ विद लॉक एंड हैंडल्ड ओनली बाय द फार्मासिस्ट। ये जो साइकोटिक और नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं इनको प्रॉपर लॉक में रखा जाना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए, और इसकी चाबी भी किसके पास रहेगी, फार्मासिस्ट के पास रहेगी, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। रिकॉर्ड्स ऑफ सच ड्रग्स शुड बी मेंटेन्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट। इनका रिकॉर्ड बिल्कुल वैसा रखा जाना चाहिए जैसा कि लीगली कहा गया है, कब कितनी मेडिसिन आई, कितने पेशेंट को दी गई, बात समझ में आ रही है। ये सब साइकोटिक और नार्कोटिक को लेकर हम लोग बात कर चुके हैं। शेल्फ शुड बी चेक पीरियोडिकली फॉर एक्सपायरी। जो शेल्फ्स हैं, अलमारी हैं, जिनमें दवाइयाँ रखी हुई हैं, उनको प्रॉपर चेक करते रहना चाहिए कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं हो रही है या एक्सपायर तो नहीं होगी है। एंड शुड बी कैप्ट सेपरेटली लेबलिंग एक्सपायर्ड गुड्स नॉट फॉर सेल। और एक डब्बा होता है अलग से, कभी देखा होगा तुम लोगों ने हर एक मेडिकल स्टोर में, जिसपे लिखा होता है एक्सपायर्ड मेडिसिन, उसमें डाल दिया जाता है, वो सेल के लिए नहीं है, क्लियर दिख जाता है कि वहाँ से मेडिसिन नहीं उठानी हमें, क्लियर है। आगे आते हैं, नियर एक्सपायरी मेडिसिन विच कैन एक्सपायर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब टाइम शुड नॉट बी सोल्ड। जो एकदम प्रिस्क्राइब टाइम के टाइम एक्सपायरी आ गई है उनको नहीं बेचना चाहिए। मान लो इसी मंथ की एक्सपायरी लिखी हुई है और प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो वो दवाई नहीं देनी है। एक्सपायर्ड मेडिसिन अनयूज और अनओपन मेडिसिन आर आइदर रिटर्न टू द सप्लायर और डिस्ट्रॉयड एज पर द हाउस प्रोटोकॉल। या तो अगर अनयूज है, अनओपन है, तो उसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे भाई सप्लायर के पास कि भाई हमारी नहीं बिकी, ले लो वापस। और अगर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो वापस नहीं होती है, तो उसको एज पर जो प्रोटोकॉल है, जो हमारा प्रोसीजर है, उसके हिसाब से उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्लियर है। रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, अब इन्वेंट्री की बात आ गई यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था, द फार्मेसी शुड डेवलप एंड मेंटेन सेफ इफेक्टिव ऑपरेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। तो क्या है ये इन्वेंट्री, मतलब वो सीधी बात बोल रहा है, सारी चीजें सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑपरेशनल होनी चाहिए, कारगर होनी चाहिए, एंड सोशियो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल, जो समाज में एक्सेप्टेड हो, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट, किसी चीज़ को पाना, एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि पूरा ड्रग का जो मैनेजमेंट है, जो पूरी बातें हुई हैं, स्टोर करना, यहाँ लगाना, वो करना, वो सब इसके अंदर आता है, किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, वो होना चाहिए उस हिसाब से। फार्मासिस्ट शुड इंश्योर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि दवाइयाँ और जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं आर रेडिली अवेलेबल इन द फार्मेसी इन सफिशियंट क्वान्टिटी। वो अवेलेबल है हर समय और पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो, कमी नहीं है उनकी। सप्लायर एंड परचेजिंग, देखो ये सब इन्वेंट्री के अंदर है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सप्लायर्स एंड परचेजिंग द फार्मासिस्ट शुड इंश्योर एंड परचेजिंग शुड इंश्योर क्वालिटी सप्लाई ऑफ मेडिसिन। सप्लाई है और जो परचेजिंग फार्मासिस्ट है, जो परचेज करेगा दवाइयों को, वो इंश्योर करेगा कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई ऑफ मेडिसिन बाय परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर दैट मीट्स द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द लॉ। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मेडिसिन आ रही है सप्लायर से, वो हमारे लॉ और नियम के मुताबिक आ रही हो, ठीक है ना, कोई उसमें झोलझाल नहीं होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, लाइसेंस एक्सेट्रा शुड बी कैप्ट, ये भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि दवाई पालों की गड़बड़ होती है, तो कहाँ से आइए, हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या उसका नाम बता सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सप्लायर शुड बी मेंटेन एंड विजिटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एडिट ऑफ प्रीमाइसिस एंड सिस्टम। ठीक है, जहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, और उनके प्रीमाइसिस में जाकर के हमको टाइम टू टाइम चेक करना है, क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है, कैसे ना वहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही हो। ठीक है, प्रीमाइसिस मतलब होती है जगह। एनी एरर मेड बाय द सप्लायर शुड बी रिपोर्टेड एंड रेक्टिफाइड इन टाइमली मैनर। अगर सप्लायर के द्वारा कोई गलती हो रही है तो उसे रिपोर्ट करना है और रेक्टिफाई मतलब सुधारना है इन टाइमली मैनर। द फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म रेगुलेटरी अथॉरिटीज इफ एनी डेलिबरेट ड्यूबियस एक्टिविटी बाय द सप्लायर इज फाउंड। रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब सप्लायर, फार्मासिस्ट तो क्या कर रहा है, फार्मेसी संभाल रहा है, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है,
अगर सप्लायर कोई ड्यूबियस एक्टिविटी, कोई गड़बड़ एक्टिविटी कर रहा है, तो ये जाकर के उन अथॉरिटी वालों को बताएगा, भैया गड़बड़ हो रही है दवाइयों की, कल को पेशेंट को कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, रिपोर्ट करेगा। द फार्मेसी शुड हैव रिटन प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड मेंटेन प्रोडक्ट लिस्ट विद रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो कह रहा है फार्मेसी को मेंटेन करना चाहिए रिटर्न प्रोसीजर, ठीक है ना, फार्मेसी शुड हैव, उसके पास होना चाहिए रिटर्न प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, कौन सी दवाइयां लानी है लेनी है, एंड मेंटेन प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए विद रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है ना, उनका रिटेल प्राइस भी मेंशन होना चाहिए और पूरा मतलब रिटर्न में होना चाहिए सारी चीजें ये, और लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन कौन सी हैं, लाइफ सेविंग समझते हो ना, जो इमरजेंसी के टाइम पे काम आती हैं। द प्रोडक्ट लिस्ट शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अपडेटेड बाय द फार्मासिस्ट। ये जो प्रोडक्ट लिस्ट वहाँ बना करके रखी हुई है, ठीक है ना, देखो ये सब इन्वेंट्री के अंदर है, जो ये इसके अंदर जो दवाइयाँ आ जाएंगी उसको टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा कि कम तो नहीं हो रही है, कम हो रही है तो तुरंत उसको ऑर्डर करके मंगवा लेगा, ठीक है। ऑल द मेडिसिन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर शुड बी चेक्ड फॉर क्वांटिटी प्राइस बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट। जो भी सप्लायर से मेडिसिन आ रही है वो इन सब के लिए चेक किया जाता है, ये सबको पता होगा। कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग मेथड शुड बी फॉलोड एंड द परचेस रिकॉर्ड इनवॉइस शुड बी मेंटेन। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ना, मान लो चार सप्लायर हैं, कोई एक महंगा बेच रहा है, कोई एक सस्ता बेच रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सही रेट लगा के दे रहा है, जिससे कि हम पेशेंट को भी उस हिसाब से आगे क्या कर पाएंगे, मेडिसिन दे पाएंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग मेथड शुड बी फॉलोड एंड द परचेस रिकॉर्ड इनवॉइस शुड बी मेंटेन। जो भी बिल आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस की जरूरत, द फार्मेसी शुड हैव वेल डॉक्यूमेंटेड सर्विस, उसके अंदर सारी जितनी भी सर्विस है उसके अंदर हर एक का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स गोल, ठीक है ना, ये उसका एक मेन कह सकते हैं ना कि मेन उद्देश्य रहना चाहिए। द फार्मेसी शुड हैव वेल डॉक्यूमेंटेड सर्विस स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन इट्स गोल, उसका जो मेन गोल होना चाहिए कि जितना ही मेरे पास सर्विस है उसकी जितनी भी स्ट्रेटजी, जो भी रणनीति यहाँ पे अपनाई जा रही है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क मेरे पास मेंटेन हो हर समय। सर्विस स्ट्रेटजीज इंक्लूड होम डिलीवरी, सर्विस स्ट्रेटजी में क्या क्या है, जैसे कि क्या क्या सर्विस दे सकता है वो, होम डिलीवरी कर सकता है मेडिसिन की, स्पेशल केयर एंड अटेंशन टू पेशेंट लाइक एल्डरली पेशेंट, जो बूढ़े लोग आते हैं उनको खास तवज्जो दी जा रही है, ठीक है, रेगुलर पेशेंट जो आ रहे हैं उनके लिए खास तवज्जो दी जा रही है, ठीक है, उनका खास ध्यान रखा जा रहा है एटसेट्रा, ये सर्विस है, ठीक है, एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में। अगर आप एक अच्छी फार्मेसी चाहते हैं कि लोग आपके पास आए, आप लॉयल रहें, तो ये सब चीज़ अगर आप देते हैं तो जो पेशेंट्स का भरोसा आपके ऊपर रहता है और ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर काउंट की जाती है। सर्विस मैनुअल शुड स्टेट इन डिटेल सर्विस ऑफर्ड, है ना, सर्विस मैनुअल में सारी बातें रहेंगी, क्या क्या सर्विस ऑफर दी जा रही हैं। सर्विस टाइम एंड फार्मेसी ऑपरेशन शेड्यूल, सर्विस का टाइम क्या क्या है और फार्मेसी ऑपरेशन का शेड्यूल क्या है, किस किस समय फार्मेसी खुलती है और कब कब बंद रहती है। सर्विस मैनुअल शुड इनलिस्ट डिटेल ऑफ एक्टिविटीज, जो सर्विस मैनुअल होगा उसके अंदर सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाएंगी, जो होंगी उसकी एक्टिविटी लिखी जाएंगी, रहेंगी, रूटीन रहेगा उसके अंदर, डेलीगेशन कौन कौन उसको करेगा, वर्क प्रोसीजर काम करने का तरीका क्या रहेगा, एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज इन फार्मेसी, और फार्मेसी में रोज रोज की एक्टिविटी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन रहने वाली हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लें, डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द कोर एक्टिविटी फॉर मेंटेनिंग एंड अचीविंग क्वालिटी। अगर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है किसी चीज का तो क्या प्रूफ है कि ये काम हुआ है या ये काम हो रहा है ना। फार्मासिस्ट शुड मेंटेन ऑल नेसेसरी स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट, स्टेट्यूटरी मतलब जो लीगल होते हैं, जो जरूरी है कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट, लाइक रेगुलेटरी लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन एसेट्रा, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क उसका प्रॉपर होना चाहिए जो चाहिए वहां पर, फॉर ऑपरेटिंग ए फार्मेसी एंड डिस्प्लेड इफ रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। तुमने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे ऐसे जो लाइसेंस होता है सामने टंगा रहता है, ये लॉ में कहा गया है कि आप इसको सामने रखेंगे, छुपाएंगे नहीं, जिससे कि कोई भी पेशेंट है वो देखे कि हाँ ये लीगल तो है, उसको भी पता होना चाहिए कि हाँ ये लीगल है, कानून के दायरे में खुला हुआ है। All operational document like purchase invoice, sale invoice and other statutory document should be maintained and issued by prescribed by law. ठीक है ना, ये सारे document जो purchase वाले होते हैं वो सारे उसको maintain करने और archived अगर कोई check करने आता है तो उसको वो दिखाने पड़ेंगे। Some of the necessary documents include क्या क्या documents हैं, quality manuals and policy document, क्या क्या policy हैं और कौन कौन सी quality, जो quality manual क्या क्या quality maintain की जा रही है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs की बात करेंगे अभी हम लोग डिटेल में। SOP में मतलब कुछ नहीं है, काम करने का तरीका, आप किस बेस पे काम करते हो, किस टाइम पे क्या होता है, कौन क्या काम कर रहा है, सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसेस, ओके, ट्रेनिंग एंड मैनुअल एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, है ना, ट्रेनिंग मैनुअल, ट्रेनिंग करने का क्या क्या तरीका रहेगा वो सारा मैनुअल रहना चाहिए, ट्रेनिंग किस उसको ट्रेनिंग दी गई है उसका रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, कंप्लेंट रिकॉर्ड, अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ऑडिट रिकॉर्ड,
ठीक है, ऑडिट क्या होता है, पूरा जब सेल वगैरह हो जाता है तो उसको फिर ऑडिट किया जाता है कि कितनी दवाइयाँ गई, कितनी बच गई हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसका रिकॉर्ड रहता है। पर्सनल डिटेल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन में आपका ये भी रहेगा कौन कौन से लोग आपके पास काम कर रहे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन जॉब क्या क्या है। रिकॉर्ड ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक, जो भी नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाइयाँ हैं उसका पूरा वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड रहने वाला है। एडिशनली इसके अलावा डॉक्यूमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर शुड बी एडिक्वेटली मेंटेन एंड स्टोर्ड। जो फार्मास्यूटिकल केयर यानी कि एक तरह से फार्मास्यूटिकल केयर मतलब पेशेंट केयर की जो फाइलें हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करना है और स्टोर करना है। इनके अंदर क्या क्या रहेगा, पेशेंट की हेल्थ केयर प्रोफाइल रहती है, पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड रहता है और रिकॉर्ड ऑफ काउंसलिंग फॉलोअप, किस बार बार जब काउंसलिंग के लिए आता रहता है तो फॉलोअप किया जा रहा है कि हाँ इस डेट को आए, इस डेट को आए और क्या क्या पेशेंट को एडवाइस दी गई है, पूरा रिकॉर्ड रहता है उसके पास, तो ये भी रहेगा तो और अच्छा बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कि ये आप करेंगे, ठीक है ना, और ऐसा मेंशन है कि आपको यही करना भी है, ठीक है ना। तो ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के सारे क्या थे, जरूरतें थी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है हमने देख लिया है और पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ेंगे इसको, रिवाइज करेंगे, कहीं पे कोई डाउट है, ठीक है। अब तो हम और आप जुड़ गए हैं, ऐप के थ्रू भी जुड़ गए हैं, ठीक है, मेरा नंबर भी अब डिस्क्लोज हो चुका है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है और टाइम का ध्यान रखें, ठीक है, खासकर अगर कॉल करते हैं कभी तो 10 से शाम को 6 के बीच में कॉल करें, ठीक है, और पढ़ते रहें, पढ़ने में कोई कमी ना रहे, ठीक है, हर तरीके से हेल्प कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे से अच्छा हो, ठीक है। और जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में, जो एग्जिट एग्जाम की है, नहीं चाहता मैं किसी भी बच्चे का एग्जिट एग्जाम के चक्कर में साल 2 साल और खराब हो जाए, 2 साल का कोर्स उसका 4 साल में चला जाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि पहले अटेम्प्ट में आप लोग एग्जाम को करते हुए फटाक से निकल जाए और लाइफ में अपने वेल सेटल्ड हो जाए। ओके, तो क्या करना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।